हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं और संविधान में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है और उपाध्यक्ष क्या होता है, इनका काम क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है, इनके अधिकार क्या है, ये कैसे जो है चुने जाते हैं, ठीक है, कैसे शपथ लेते हैं, इनके वेतन भत्ते कितने हैं, इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, ठीक है, जिसमें धन विधेयक वाली शक्तियां होंगी, संयुक्त अधिवेशन वाली शक्तियां होंगी, ठीक है, और मतलब कई सारी शक्तियां हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर प्री और मेंस के लिहाज से दोनों तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनेगा, इसलिए इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ बातें यहाँ पर नोट है, इसके अलावा एक एक शब्द का मतलब आपको हम विस्तार से समझाने वाले हैं, इसलिए पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहिए, नहीं तो आप इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतने लिखने से काम नहीं चल पाएगा, इसको समझना पड़ेगा कि स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कब तक रहता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, ये सारी चीजें आज समझने वाली है, बहुत जरूरी टॉपिक है। इससे पहले एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जो हम अभी तक आपसे नहीं कहा है, ठीक है, और कभी कभार भले कह दिया हो कि चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि हम लोगों का टारगेट क्या था कि इस महीने के अंत तक 20,000 लोगों को अपने चैनल पर जोड़ना। इसलिए अब आज के बाद हम हर वीडियो में आपसे यही कहेंगे कि जब तक 20,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपसे रोज कहूंगा, अभी तक मैंने नहीं कहा है लेकिन अब मैं आपसे रोज कहूंगा, जब तक आप 2-3-4 लोगों को नहीं जोड़ेंगे मैं रोज कहता रहूंगा, जब तक आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अब तो ओपन कर दिया, आप स्वयं देखते हैं कि सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहूंगा। अब इसको चाहे आप निवेदन समझिए, चाहे मेरा आप आदेश समझ लीजिए, या मतलब कुछ भी जो आप समझना आप समझ लीजिए, ठीक है, जिस नाते आप मुझे मानते हैं उस नाते आप समझ लीजिए, लेकिन ये काम अब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2-3-4 दिन बचे हुए हैं, जितनी मेहनत जितनी एनर्जी आप लगा सकते हैं लगा दीजिए, ठीक है, और इस महीने के अंत तक मुझे 20,000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अपनी फैमिली को चाहिए, अपने इस परिवार को चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, और मैं कहता रहूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब तक हो नहीं जाएंगे मैं कहता रहूंगा, अभी तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा है कि आप सब्सक्राइब कराइए या लाइक कीजिए या कमेंट करिए, ठीक है, लेकिन अब मैं कहता हूं अब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है, 93 में बताया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे आएंगे, इनका जो है चयन कैसे होगा, कैसे चुने जाएंगे, इसको आप समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर प्रोटेम स्पीकर की, ठीक है, इसको हिंदी में तात्कालिक या सामायिक अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में तात्कालिक या सामायिक अध्यक्ष भी कहते हैं। अब पहले इसी को समझिए कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। देखिए, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव हो गया और मतदान मतलब मतगणना हो गई है और प्रत्याशी जो है विजयी घोषित हो गए हैं, ठीक है, अब वो विजयी प्रत्याशी यानी कि जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं या निर्वाचित सदस्य हैं वो अभी तक संसद के सदस्य नहीं है, फिर क्या होगा, फिर एक दिन जो है सारे सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, सब लोग जाके सदस्य जो भी निर्वाचित है वो इकट्ठे होंगे, ठीक है, फिर उन्हीं सारे सदस्यों में से एक सदस्य को कौन, राष्ट्रपति चुनेगा, और कैसे सदस्य को, जो सबसे वरिष्ठतम होगा, सबसे ज्येष्ठ होगा, और किस मामले में ज्येष्ठ होगा, उम्र में नहीं बल्कि सेवा के मामले में, कार्यकाल के मामले में जो व्यक्ति सबसे ज्येष्ठ होगा वरिष्ठ होगा उसको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर चुनता है, ठीक है, और
इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है कि नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। सिर्फ इसका इतना काम है कि जो नए सदस्य आए हैं उनको वो संसद के सदस्य बन जाएं। उनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है। अब सारे के सारे सदस्य क्या हुए? शपथ लेकर के संसद के सदस्य बन गए। अब ये संसद के सदस्य जो है आपस में इकट्ठे होकर के एक दिन फिर से मीटिंग होगी और ये अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब जो है वरिष्ठता का कोई स्थान नहीं रहेगा। ठीक है, अब तो मोस्टली मतलब जो है सामान्यता यही हो गया है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसी का जो है अध्यक्ष चुना जाता है बेसिकली। ठीक है, तो उन सभी सदस्यों में से एक सदस्य को क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, ध्यान आपको यहां पर देना यह है कि जो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है इसमें जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे वीरेंद्र कुमार। ठीक है, और ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के सांसद हैं। ठीक है, तो ये सबसे वरिष्ठ पाए गए यानी कि कार्यकाल या सेवा के हिसाब से इनको चुना गया। ठीक है, और जो प्रोटेम स्पीकर है वो उसका कार्यकाल कब तक होगा? उसका कार्यकाल तब तक होता जब तक कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, जब तक चयन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन तक कार्य होता है। जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है वैसे ही स्वतः प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। क्लियर बात है? तो ये थी प्रोटेम स्पीकर की कहानी। ठीक है, यानी कि नव निर्वाचित सदस्यों को सदस्य दिलाने के लिए शपथ दिलाने के लिए अपने में से ही किसी वरिष्ठ सदस्य को चुनना प्रोटेम स्पीकर होता है। ठीक है, वो तब तक रहेगा जब तक कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं आ जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब जो है लोकसभा अध्यक्ष का चयन हो गया है तो अब सीधे आएंगे लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर। ठीक है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये शपथ किस रूप में लेता है? ये संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, यानी कि जो उसने सामूहिक रूप से सबके साथ शपथ ली थी वही उसकी शपथ मानी जाएगी। यानी कि संसद सदस्य के रूप में ये शपथ लेता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, दूसरे इसकी पदावधि कब तक, यानी कब तक ये कार्य करेगा? तो ये कार्य करेगा अगली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक। ठीक है, अमल से ये वर्तमान लोकसभा है 17वीं चल रही है। ठीक है, श्री ओम बिरला जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये अध्यक्ष कब तक रहेंगे? जब तक कि 18वीं लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा और 18वीं लोकसभा की प्रथम बैठक नहीं हो जाएगी। जिस दिन प्रथम बैठक होगी उसके एक दिन पहले तक ये अपने पद पर रहेंगे, अर्थात अध्यक्ष बने रहेंगे। यानी कि क्या लिखा है, लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक ये अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, और ध्यान ये देना है कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा भंग की स्थिति में भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ध्यान देना है, लोकसभा पूरी भले ही भंग हो गई है लेकिन अध्यक्ष अपने पद पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर ये बने रहते हैं। ठीक है, इनका पद भंग नहीं होता है। अब बात करेंगे कि किन किन स्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। तो पहली चीज तो यह है कि अगर ये दोनों सदन के सदस्य ना रहे। ठीक है, यानी कि लोकसभा के सदन का मतलब क्या है, लोकसभा यहां पर है। ठीक है, हालांकि संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो सदन कौन सा होगा, लोकसभा होगा, अर्थात निम्न सदन होगा। ठीक है, तो अगर ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो इनका पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है अपना पद और कैसे रिक्त कर सकते हैं, यानी कि अगर अध्यक्ष है तो वो उपाध्यक्ष को, और अगर उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर भी अपने पद को रिक्त कर सकता है समय से पूर्व। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, यानी कि अगर जो लोकसभा के तत्कालीन सदस्य हैं वो विशेष बहुमत से पारित कर दें कि इस व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रखा जाए, नहीं रखा जाएगा, तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। अगर ऐसा संकल्प पारित कर देते हैं तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, और ये बात आर्टिकल 94 में बताई गई है, ध्यान देना है। ठीक है, जो ये विशेष बहुमत वाली बात है तो ये 94 में बताई गई है। लेकिन
इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, यानी कि जब ऐसा कोई संकल्प पारित हो रहा हो, तो संकल्प पारित होने के 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी होगी, जैसे कि पीछे हम देते आए थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मामले में, ठीक है। तो 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सूचना देनी होगी। और अगर संकल्प जो है क्या है, मतलब ये संकल्प पारित पारित नहीं, मतलब प्रस्ताव है, अगर संकल्प का प्रस्ताव आ गया है, ठीक है, और संकल्प का प्रस्ताव चल रहा है, तो क्या होगा उस दौरान वो है पीठासीन नहीं होगा, यानी कि लोकसभा का जो मतलब जो प्रमुख है जिसको पीठासीन बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, तो वो पीठासीन उस समय नहीं होगा, लेकिन सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा, यानी कि उस दौरान वो पीठासीन तो नहीं होगा, लेकिन सदन की कार्यवाही में बोल सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और मत भी दे सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे नहीं होता है। निर्णायक मत क्या होता है, अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। निर्णायक मत क्या होता है आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई भी जब जो है वोटिंग होती है किसी विधेयक पर, तो मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष में जब बराबर मत की स्थिति हो जाती है, यानी कि जितने मत सत्ता पक्ष के हैं उतने ही मत विपक्ष के हैं, तो ये टाई अप हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो लेकिन अगर संकल्प जो है प्रस्ताव में है चल रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में सामान्य मत तो दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार उसे नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है यहाँ पर। और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उस दौरान लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल होता है जिसको राष्ट्रपति गठित करता है, और इस पैनल में अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं, सामान्यतः 6 सदस्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया पैनल ही लोकसभा की अध्यक्षता करता है, ठीक है, ध्यान रखना। पहले अध्यक्ष, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष, और इसके बाद वरिष्ठ सदस्यों का पैनल। ये तो बात होगी लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के बारे में, पद और उससे संबंधित रिक्तता के बारे में, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे इसकी शक्तियां क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं या फिर इसके अधिकार क्या हैं, ठीक है। तो पहले अधिकार तो इसका ही है कि ये सदन की कार्यवाही संचालन करता है और आवश्यकता पड़ने पर स्थगन भी करता है, यानी कि स्थगित भी कर देता है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, मत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देना, यानी कि ये आर्टिकल 100 में बताया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो है लोकसभा अध्यक्ष को मत दे, जो निर्णायक मत देने का अधिकार है किस आर्टिकल में बताया गया है, 100 में, 100 आर्टिकल में बताया गया है कि मत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, आर्टिकल 100। फिर और क्या अधिकार है, धन विधेयक को प्रमाणित करना, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। इस निर्णय को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये इसका एक अधिकार है, ठीक है, धन विधेयक को प्रमाणित करना। अब हम बात करेंगे आज संयुक्त अधिवेशन की, ठीक है। पिछले हमने लोकसभा पढ़ लिया था, मैंने आपसे कहा था ना कि हम आपको संयुक्त अधिवेशन आगे बताएंगे, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी सूचना, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उन सारे कमेंट्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। और संडे को जिस प्रकार से मैंने पिछले संडे को एक कमेंट बॉक्स बनाया था जहां पर आपके सारे कमेंट्स का मैंने जवाब दिया था, उसी प्रकार से हम इस कमिंग संडे को भी एक वीडियो बनाएंगे जहां पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब हम देने का प्रयास करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ, क्योंकि कमेंट में इतना सब कुछ लिख पाना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग संडे को जो कमेंट बॉक्स वाला वीडियो आएगा उसको जरूर देखिएगा, उसमें आपके कमेंट का भी उचित जवाब होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। तो पहली बात तो ये समझिए कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, आठवीं कितना 108, ठीक है। यानी कि संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से है यहां पर, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है,
ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 108 में, ठीक है। और अगर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 118 के 4 में, ठीक है। 118 का 4 जो उपबंध है उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करे। मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं है तब कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान रखना सभापति नहीं उपसभापति, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वो सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो सदन का सदस्य होता है। इसलिए सभापति को अधिकार नहीं है, राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। अगर मान लो उपसभापति भी नहीं है तो कौन करेगा? तो फिर जितने भी दोनों सदनों के सदस्य इकट्ठे हुए हैं वो जिसको चाहे एक एक स्वेच्छा से जो है वो चुनेंगे कि अपने में से किसी एक सदस्य को जो है उसका अध्यक्ष निर्वाचित मतलब नियुक्त कर देंगे जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए। तो फिर कौन करेगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति या फिर जो है सदन के सदस्य जिसको भी नियुक्त कर दें, ठीक है। अब बात ये उठती है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाए, किन किन स्थितियों में बुलाया जा सकता है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ सकती है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाना पड़ता है या बुलाया जाए? तो ध्यान देना है कि तीन स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कैसे? देखिए, जब कोई विधेयक, ठीक, यहां पर देखिए विधेयक से मतलब क्या है, यहां पर साधारण विधेयक की बात हो रही है, ठीक है, किसी और विधेयक की नहीं। यानी कि जब कोई विधेयक एक सदन से पारित तो हो करके दूसरे सदन में जाता है तो निम्नलिखित स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो स्थितियां तीन है, यानी कि विधेयक दूसरे सदन ने क्या अस्वीकार कर दिया हो। मान लो लोकसभा से कोई विधेयक पास होके गया राज्यसभा में और राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया कि हम जाइए इसको पास नहीं करते हैं, तो क्या होगा? और विधेयक बड़े महत्व का है तो राष्ट्रपति तुरंत क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुला लेगा। भाई क्या समस्या, क्या है, क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इस स्थिति में। दूसरी स्थिति, किए गए संशोधनों पर असहमति हो। यानी कि मान लो एक सदन से दूसरे सदन पर विधेयक गया और दूसरे सदन ने ऐसे संशोधन कर दिए हैं कि पहला वाला सदन मानने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा? विवाद हो जाएगा, ठीक, असहमति हो जाएगी, तो फिर विधेयक पास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ सकता है। या फिर अगर एक सदन से विधेयक पारित होके गया हो और दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने से अधिक तक उसको रोक के रखा हो, यानी कि मान लो आज की तारीख जितनी भी है आज प्राप्त हुआ और आज से 6 महीने तक, 6 महीने बीत गए, दूसरे सदन ने कुछ नहीं बताया, कोई जवाब ही नहीं दिया, पारित तो किया नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया, तो क्या होगा? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो समस्या को जानने के लिए और इस पर जो विचार करने के लिए या विधेयक को पास कराने के लिए दोनों सदनों की बैठक को आहूत कर सकता है। तो इन तीन स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान ये देना है कि धन विधेयक के केस में और संविधान संशोधन विधेयक के केस में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत नहीं है, प्रावधान नहीं है। यानी कि धन विधेयक में चूंकि लोकसभा को अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, राज्यसभा से सुझाव दे सकती है या 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक ये दोनों सदनों में अर्थात लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग पारित होना चाहिए, तभी उसको पारित माना जाएगा। संविधान संशोधन के मामले में, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, बल्कि दोनों सदनों में अलग अलग उस विधेयक को पारित होना चाहिए। ये थी बात संयुक्त अधिवेशन की। इसके अलावा और क्या कार्य हैं, शक्तियां हैं? तो और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के कि दल बदल के आधार पर सदस्यों की निर्हरता के प्रश्न का निपटारा करना। यानी कि जो 10वीं सूची में वर्णित किया गया है कोई व्यक्ति, कोई सदस्य अगर दल बदल कर लेता है
तो उसकी जो है अर्हता या निरर्हता किस आधार पर होगी, जो प्रश्न होंगे उनका निपटारा कौन करेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन इसके निर्णय को यहां पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि धन विधेयक के मामले में इसका निर्णय अंतिम था, वहां चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन दल बदल के आधार पर जो भी ये फैसला देगा, निर्णय देगा, तो उसको न्यायालय में चुनौती हम दे सकते हैं, दी जा सकती है। और लोकसभा में विपक्षी दलों व अन्य समूहों को मान्यता देना, ठीक है। यानी कि कोई विपक्षी दल अगर वो अपने उचित क्राइटेरिया को पास करता है, ठीक है, यानी कि बेसिकली 10% रखा गया है कि अगर किसी दल को लोकसभा की कुल सीटों की 10% सीटें अगर प्राप्त हैं तो उसे विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में 552 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, 10% लिखाने के तो 55 सीटें होती हैं, तो अगर किसी दल के पास 55 सीटें हैं तो उसे विपक्षी दल का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये देना किसका काम है, ये लोकसभा अध्यक्ष का ही काम है, ठीक है। अब हम बातें कर लेते हैं कुछ इससे संबंधित जरूरी फैक्ट की। तो इसके जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते हैं ये कहां से दिए जाते हैं, ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। और जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, जी.बी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष भी है कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया था, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये है एम अनंत सैनम आयंगर, ठीक है, ये प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं, ठीक। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है, श्रीमती मीरा कुमार, आपको पता ही होगा, ठीक है। और प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन है, ये पी.ए. संगमा रहे हैं, ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता ही, श्री ओम बिरला जी हैं, ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है फिर भी कोई अगर डाउट है, ठीक है। देखिए अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं हो रही है तो एक बार क्या करिए, आपको वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लिया करें, ठीक है। तो दोबारा से क्या होता है, मतलब कि जो छोटे मोटे डाउट होते हैं ना वो सब क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, ठीक है। आप उस कमेंट का हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, और पूरा जो भी उचित जवाब है उसका हम माकूल जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि, मतलब जो है, जो कमेंट बॉक्स वाला वीडियो है, ताकि हम आपका जो है उचित जवाब दे सकें, पूरा विस्तार से आपको समझा सकें, ठीक है। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार। और ध्यान क्या रखना है, मैं रोज कहूंगा आपसे, हर वीडियो में कहूंगा, सब्सक्राइबर 20,000, 20,000 इस महीने के अंत होने चाहिए। मैं आपको कह कह के परेशान कर दूंगा जब तक आप लोग नहीं करेंगे। चलिए नमस्कार।